सर, मेरा नाम अश्विनी है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मुझे गायनेकोमास्टिया है, मतलब पिछले 4-5-6 साल से है। मुझे पता नहीं था कि जैसे कभी टाइट सी टी शर्ट पहनो तो अच्छा नहीं लगता था, किसी पब्लिक एरिया में कहीं भी हो तो एक अपने मन को वो नहीं मिलता था। तो जैसे देखा जाए तो जब तक मन हमारा खुश नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं कह जा सकते। जैसे हम आयुर्वेद में एक श्लोक है, सम दोषा समामिश्य सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य इति अभिधीयते। मतलब कि हमारी आत्मा मन इंद्रियां जब तक ये स्वस्थ ना हो, जब तक ये प्रसन्न ना हो तो हम स्वस्थ नहीं है। तो यही कारण है कि हमें कहीं भी नहीं पहन सकते, तो यही हम स्वस्थ नहीं कह जा सकते अपने आप को। एंड हमें गायन को मैसेज आते अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आज मेरी सर्जरी होने को जा रही है, फिर हम सर्जरी के बाद में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो मैं एनकरेज सबको करता हूं कि जब आप ट्रीटमेंट करा चुके हो अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताइए, ताकि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि आपके जैसे और भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि आप जब हमारे चैनल सुनते हैं आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ मेरी बातों से या पेशेंट्स की बातों से, तो आपका भी ड्यूटी है, आपकी भी, कि आप और लोगों तक उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को स्प्रेड करें। सो एक या दो चीजें ही मैं हमेशा पेशेंट से पूछता हूं। पहला मेरा सवाल होता है क्यों किस लिए? सर्जरी करना आसान तो होता नहीं, डर लगता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, भाई बहन सब परेशान होते हैं, सर्जरी क्यों? ऐसा क्या हो जाता है हमारी लाइफ में कि हमको गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करानी पड़ती है? क्या हुआ, क्या फील होता है, क्यों कराना पड़ता है? सर महसूस होती है, कहीं भी जाओ शर्म महसूस होती है और अच्छा नहीं लगता। शर्म महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, दो पॉइंट। और कोई भी ऐसी जो आप क्यों करा रहे हो? यही है, कहीं पब्लिक में जाओ तो नहीं, एक लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद हम कर रहे हैं BAMS, अच्छा, तो उसमें बताया गया कि सम दोषा समामिश्य सम धातु मल क्रिया, दोष धातु मल एन सब समान अवस्था में, लेकिन प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जब तक हमारी इंद्रिय है, मन है, आत्मा है, जब तक स्वस्थ ना हो या वो प्रसन्न ना हो तो हम ऐसे स्वस्थ नहीं कह जा सकते। करेक्ट। मतलब अगर इसको इन्होंने आयुर्वेदा का एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं इसको एलोपैथी की लैंग्वेज में बोलूं, मेंटल हेल्थ एक चीज होती है जिसको हम लोग इंडिया में बहुत इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बहुत हाई इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसी से ही आपकी फिजिकल हेल्थ डिटरमिन होती है। अगर आप मेंटली रोज सुबह आप परेशान होंगे, अपने आप को देखने को ही खुश नहीं होंगे, तो आप पूरे दिन अपना व्यवहार कैसा रखेंगे, आप अपना काम कैसे करेंगे? सो इन्हीं बातों की आप जो बात करें कि मेंटली अगर आप सारे टाइम टेंस रहेंगे, और किस लिए? 45 मिनट्स में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, 45 मिनट लगते हैं एक ऑपरेशन में और आप यहां से यहां पहुंच जाते हो। आपको क्या उम्मीद है जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? सबसे पहले तो मानसिक दोष जो है वो, मेंटल हेल्थ सबसे पहले, मानसिक बीमारी ये ज्यादा है, शारीरिक दोष से अधिक मानसिक है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। एंड शारीरिक दोष तब भी मेंटेन कर लो, लेकिन जब तक मानसिक दोष नहीं है तब तक नहीं होगा। तो वो तो ठीक हो जाएगा, वो तो आप शाम को ही देखोगे ठीक हो चुके होंगे आप, तो क्या बदलेगा? स्वस्थ ही होंगे आप, स्वस्थ हो जाएंगे। और ये बात जरूरी है कि जैसे ही आप मानसिक तौर से स्वस्थ होना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ के हर एक जोन में आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी, चाहे वो प्रोफेशनल एंड है, चाहे आपका फैमिली रिलेशनशिप एंड है, या आपके फ्रेंड सोशल एंड है, हर जगह आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील होगा। क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी, एक जो नेगेटिविटी आपके अंदर क्रिएटेड है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर सिर्फ पॉजिटिव चीज ही आपके सामने आती है। क्या आपको, लास्ट चीज मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि आज इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाए हो? नहीं कर पाए। बहुत क्लियरली बात हो रही है, कोई भी काम करो तो सबसे पहले मन में यही आता है। राइट। और ये अकेले नहीं है,
आज तक हम लोगों ने जिन जिन का ऑपरेशन किया है हर आदमी यही कहता है, और आप जो इसको देख रहे हैं या देखेंगे, अगर आप गायनेकोमास्टी से परेशान है तो आपको भी पता है कि यही आपके साथ भी होता है। सो या तो डिसाइड करिए कि ट्रीटमेंट हमें नहीं करना, या फिर जहां आप सिटी में वहां पे किसी प्लास्टिक सर्जन से मिलके इसका ट्रीटमेंट कराइए। आप नहीं जानते हैं कि कितना चेंज आ जाता है लाइफ में सर्जरी करने के बाद। इतना भी आपको बता दूं, सपोज आपको सिर्फ 70% रिजल्ट मिले, 100% मिलना चाहिए, लेकिन इवन 70% आपको रिजल्ट मिलेगा ना, फिर भी आपकी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगी। सो ट्रीटमेंट कराना मत, उसको अवॉइड मत कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। दवाइयों में कुछ नहीं होता, टेस्ट कराने की कोई कोई खास जरूरत नहीं, अल्ट्रासाउंड MRI कोई, प्लीज होम्योपैथी दवाइयों पे मत विश्वास कीजिए, वो गायनेकोमास्टिया के लिए नहीं बनी है। आयुर्वेद की दवाइयां या होम्योपैथी की दवाइयां और चीजों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसके लिए नहीं बनी। तो ये सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है। सर्जरी मात्र 45 मिनट से एक घंटा लगता है, 4-5 घंटे में हम आपको घर भी भेज देंगे और आप जिंदगी भर के लिए इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। सो ये मैंने सेशन आज जान के रखा ताकि मैं आपको इंस्पायर कर सकूं कि अगर आप इससे परेशान हैं तो आप इसके लिए एक्शन। नाम अश्विनी सांडिल है। नमस्कार। सबसे पहले मैंने अभी 1 हफ्ते हुआ है मेरी सर्जरी को, मैंने डिवाइन कॉस्मेटिक से सर्जरी कराई थी और आज 1 हफ्ता हुआ और मेरी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अच्छा लग रहा है। और मैंने डिवाइन कॉस्मेटिक से सर्जरी कराई थी और मुझे काफ़ी अच्छा फील है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मैं हर काम कर सकता हूँ और सब कुछ अपने रेगुलर एक्टिविटी, बिना कोई शर्म के, बिना कोई घबराहट के सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, और मैं बहुत अंदर से प्रसन्न हूँ। अब हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं, क्योंकि हमने उस दिन भी बताया था कि सम दोषा समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इसलिए आज मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि हमारा मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, ये आयुर्वेद में ऐसा कहा गया। धन्यवाद।